रामगंज थाना क्षेत्र में अगवा कर ले जाई गई युवती की शिकायत के बाद अब बलात्कार और अपहरण का मुकदमा किया दर्ज। लगभग 6 महीने पहले युवती के परिजनों की शिकायत के बाद गुमशुदगी का मुकदमा किया गया था दर्ज। मानसून के प्रभावी होने से पहले ही ऐतिहासिक आनासागर झील अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंची। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अनुमति के बाद सिंचाई विभाग ने 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की शुरू। रामगंज थाना क्षेत्र के कंचन नगर से चोरी हुए लाखों रुपए कीमत के ट्रक एक्सल मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों का नाम महेंद्र, कंचन नगर के हैं रहने वाले। सीआरपीएफ GC2 के कैंप परिसर में स्पेक्टिकल कोबरा को मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के संरक्षक विजय यादव ने किया रेस्क्यू। JLN हॉस्पिटल के बाहर एक पिता और पुत्र को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दरिंदगी का होना पड़ा शिकार। खुले में पेशाब करने से नाराज कुछ लोगों ने दोनों को इतना पीटा कि अस्पताल में हुए भर्ती। विधायक द्वारा दी जाने वाली रसद सामग्री परचून की दुकान से मिलने पर वार्ड संख्या 43 में हंगामा हुआ खड़ा। स्थानीय निर्दलीय पार्षद काजल यादव और उनके पति ईश्वर राजौरिया सहित लोगों ने पटेल जनरल स्टोर नगरा पर किया प्रदर्शन। राजस्थान रोडवेज के अजमेर जोनल मैनेजर हेम सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अजमेर। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों से की चर्चा। 1971 में भारत पाकिस्तान पर विजय पताका फहराते हुए बांग्लादेश स्कोर को हराकर किया स्वतंत्र। इस विजय गाथा को 50 साल पूर्ण होने पर आर्मी के द्वारा निकाला जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल मार्च। कृषि विभाग द्वारा मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही विभिन्न योजनाओं का प्रसार प्रसार हो इसे लेकर जिला कलेक्टर से 7 वाहनों को किया रवाना। जनाना अस्पताल जांच करवाने जा रही महिला के साथ टेम्पो चालक और उसके साथी द्वारा लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। महिला ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा करवाया दर्ज। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News सच्चाई की वापसी।